ये वो लोग हैं जो भगवा वस्त्र के अंदर छिपे हुए देश के दुश्मन हैं। ये बात मैं पूरे होश और आवास में कह रहा हूँ। हम प्रधानमंत्री कहते हैं, हमें गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि वो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है। और जो प्रचार मंत्री होता है उसके पास शब्दों का चयन होता है, तो वो शब्दों की माला फिरो करके क्या कुछ कह दे तो उसकी बातों पर मुझे लगता है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये है कि अगर मान लो बीजेपी जीत जाती तो शायद मुझे लगता है पश्चिम बंगाल जो है वो स्विट्जरलैंड बन जाता, या फिर इंग्लैंड बन जाता, लंदन बन जाता, जेनेवा के ऑफिस वहां आ जाते, नासा वहां आ जाता, ऐसा हो सकता था। हुई कवर की होगी आपने, हुई कि नहीं हुई, कौन से बक्कल उतर गए और किसके बक्कल उतर गए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये बड़बोलेपन की सरकार है। जब इसकी जुबान तो ऐसे ही उसको दो टके की कहा जाता है, ये जब चलती तो सोचती थोड़ी, और ये लोग तो उसकी ट्रेनिंग लेकर के आए, महारत हासिल है इन लोगों को अपनी जुबान चलाने के, तो चला देते हैं। वाले कोई ऐसे समझते, मरने वाले में मृत्यु जो होती है ना, वो किसी की जाति पूछ करके थोड़ी आती है। उसने सबको निगला और इन्होंने सबको खुलेआम कुत्तों को नोच करके खाने के लिए इन्होंने जो है ऐसे ही छोड़ दिया खुलेआम। पहली बात तो आप एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ लो, और जो भी देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ ले कि सरकार पूरे मूड में है। किसान आंदोलन जिस चीज़ के लिए हो रहा है, 3 बिलों के लिए, उनको वापस करने के लिए वो पूरे मूड में है। लेकिन ये मामला इतना लंबा हो गया, उनकी जिद समझ लो या किसानों की हठ धर्मिता समझ लो, ये उनकी मान सम्मान की लड़ाई थी, और ये मान सम्मान की लड़ाई होते 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 उनके अहंकार पर जाकर के टिकी। तो अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जहां से ये वापस हो जाएं, लेकिन शायद अब कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं है कि किसान बिल भी वो वापस कर दे और उनकी बेइज्जती भी बच जाए। तो ऐसा कोई मार्ग बचा नहीं है जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पंडित जी, इस आंदोलन को कह रहे हैं कि ये जाटों का आंदोलन है, कभी कहा गया ये पंजाबियों का, सरदारों का आंदोलन है जी, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर वो ऐसा कहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी विक्षिप्त बातें जो किया करते हैं वो विक्षिप्त मानसिकता के ही लोग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आम जन में पाए जाते हैं, वो सरकारों में भी पाए जाते हैं, और ऐसा इसी सरकार में नहीं, इससे पहले भी सरकारों में ऐसा होता रहा है। मैं हरदोई से आता हूँ, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो नहीं हूँ जाट, न मैं हूँ यादव, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। और सिंघू बॉर्डर पे, चाहे आप शाहजहांपुर बॉर्डर की, मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे लगातार एक्टिव रहा हूँ, टेकरी बॉर्डर की बात ले लो, हमारे कितने ऐसे साथी, त्रिपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा, गुप्ता, न जाने कितने ऐसे लोग बैठे, हम सब एक साथ में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही मंच के नीचे रहते हैं। ये तो उनकी विक्षिप्त मानसिकता है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको इसी में जोड़ करके कह देना चाहता हूँ कि जिनको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, हमें गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि वो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। और जो प्रचार मंत्री होता है उसके पास शब्दों का चयन होता है, तो वो शब्दों की माला फिरो करके क्या कुछ कह दे तो उसकी बातों पर मुझे लगता है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने 4.5 साल के जो कार्यकाल को पूरा कर लिए हैं, 6 महीने ही चुनाव बाकी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने हर साल 1 लाख रोजगार युवाओं को दिए, मतलब 4 साल में उन्होंने 4 लाख रोजगार दे दिए। जी दिए हैं, मैं बताता हूँ कहाँ दिए हैं, वो कागजों पर दिए हैं, कागज रेडी है। चार तो हो रहा है दिल्ली में, बड़े पोस्टर, हाँ, दिल्ली में तो पोस्टर पता नहीं कैसे कैसे कितने कितने तरीके से लगे, आप खुद ही सोचो, उत्तर प्रदेश के पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली से बाहर भी लगे हुए हैं, क्या कारण है इसका, उनको क्यों कोशिश करनी पड़ रही है? क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश वालों को नहीं बताना चाह रहे हैं क्या? नहीं, वो तो प्रचार भूमिका जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव चल रहे थे तो पश्चिम बंगाल में वो पहुंच गए तो बोले हिंदू खतरे में है, पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश हो जाएगा, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये तालिबान हो जाएगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल 5 साल पहले जब ममता बनर्जी रही तब भी पश्चिम बंगाल ही था, उससे पहले नहीं थी तब भी पश्चिम बंगाल ही था, और उसके बाद वो बन गई तो भी वो पश्चिम बंगाल ही रहेगा। हालांकि ये है कि अगर मान लो बीजेपी जीत जाती तो शायद मुझे लगता है पश्चिम बंगाल जो है वो स्विट्जरलैंड बन जाता, या फिर इंग्लैंड बन जाता, लंदन बन जाता, जेनेवा के ऑफिस वहां आ जाते, नासा वहां आ जाता, ऐसा हो सकता था, शायद ऐसी उनकी सोच है। तो रोजगार पे आपका मतलब ये नहीं है कि वो रोजगार उन्होंने दिया थे प्रचार? मैं कह रहा हूँ रोजगार उन्होंने दिए हैं, कागजों पर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्री तैयार है, और जब डॉक्यूमेंट्री पे ही उन्होंने 4.5 साल काम किया है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री पे काम किया। असल में देखिए बात क्या है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो मुख्यमंत्री थोड़े दिन तक उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री समझा, फिर वो मुख्यमंत्री समझना भूल गए कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, क्योंकि वो महंत हैं और गोरख
नाथ जो मंदिर है गोरखपुर में, उसके वो मठाधीश है पीठाधीश्वर है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक मठ समझा, अपने आप को मठाधीश समझा, बोले कि उत्तर प्रदेश में सब भक्त हैं, हाथ उठा के आशीर्वाद देते रहे, ये लेते रहेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और देश के लोगों से बनता है, वो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र से चलता है। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था, कार्टून, जिसमें कहा जा रहा था कि ये बाबा योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, लखनऊ जो किसान नेता आने की कहे थे राकेश टिकैत, कि यहाँ पर आओगे तो बक्कर उधेड़ दिए जाएंगे, तो उस पोस्टर भी चिपका कर देते हैं। तो देखिए, ये बात कोई नई नहीं है, इससे पहले भी पोस्टर लगते रहे, आप तो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकारों पर भी कार्रवाई होती रही, उनके खिलाफ पोस्टर डॉक्टरों ने लगाए उन पर भी कार्रवाई होती रही, नर्सों ने लगाए उन पर भी कार्रवाई होती रही, शिक्षक भर्तियां थी उन्होंने पोस्टर लगाए उन पर भी कार्रवाई होती रही, उनको उठा उठा करके ये लोग जेलों में डालते रहे, उन पर जो है FIR करते रहे, तमाम तरीके की ऐसी चीजें चलती रही। आपने कहा कि पोस्टर, उन्होंने कहा कि बक्कल उतार दिए जाएंगे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई, कवर की होगी आपने, हुई कि नहीं हुई, कौन से बक्कल उतर गए और किसके बक्कल उतर गए? तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये बड़बोलेपन की सरकार है, जब इसकी जुबान तो ऐसे ही उसको दो टके की कहा जाता है, ये जब चलती तो सोचती थोड़ी, और ये लोग तो उसकी ट्रेनिंग लेकर के आए, महारत हासिल है इन लोगों को अपनी जुबान चलाने के, तो चला देते हैं। आप तो ब्राह्मण है, आपको इस बीजेपी हिंदूवादी सरकार से इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, हमें हिंदूवादी सरकार से आपत्ति नहीं है, और आपको आपकी एक मेरी बात सुनिए, मुझे हिंदूवादी सरकार से दिक्कत नहीं है, ये यदि हिंदूवादी सरकार होती, क्योंकि हिंदू को इन्होंने अलग तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है शायद, है ना, हिंदू को एक स्पेशली जाति से जोड़ करके देखते हैं, एक स्पेशली कम्युनिटी नहीं, हिंदू जाति का मतलब हो गया इस देश में रहने वाले विभिन्न तरीके के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, अनेकों अनेक इसमें बोलियां बोली जाती हैं, अनेकों अनेक संस्कृति संस्कार, तमाम चीजों को सम्मिलित करके ये जो है ये हिंदू हिंदुस्तान बनता है, वहीं से ये जो है हिंदू जाति निकलती, तो इसको उन्होंने अलग तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, वो इनकी मानसिकता है कि इन्होंने अलग तरीके से कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जो भगवा वस्त्र के अंदर छिपे हुए देश के दुश्मन हैं, ये बात मैं पूरे होशो आवास में कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी कोरोना था, कोरोना में आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा कि किस तरीके से लाशें नदियों में बह रही थी, हमें तो नहीं लगता आपने पत्रकारिता की, आज के जीवन में कभी हमने तो कभी नहीं सुना कि नदियों में लाशें बह रही हैं, एक आध कोई आ गई धोखे से तो कोई बात नहीं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में, ये तो बात झूठी नहीं है, ये तो फोटो भी हैं, आपने वीडियोस भी आपने तमाम देखे होंगे, सारी चीजें देखी, उसके ऊपर कपड़े बाकायदा उड़ाए गए, जब पत्रकार लोगों ने उनको कवर किया और जब ऊपर से ड्रोन से कैमरे से वो तस्वीरें ली गई, जब हजारों हजार संख्या में वो तस्वीरें दिखी, तो उनके कपड़े क्या किए गए, खींच लिए गए ताकि लाशों की गिनती नहीं हो पाए। तो ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मरने वाले की जो है वो जाट थे, मरने वाले सरदार थे, मरने वाले कोई ऐसे समझते, मरने वाले में मृत्यु जो होती है ना, वो किसी की जाति पूछ करके थोड़ी आती है, उसने सबको निगला और इन्होंने सबको खुलेआम कुत्तों को नोच करके खाने के लिए इन्होंने जो है ऐसे ही छोड़ दिया, खुलेआम कोई व्यवस्था नहीं थी, आपको पता है, चाहे आप लखनऊ योगी आदित्यनाथ तो कह रहे थे कि ना तो ऑक्सीजन की कमी है, ना हॉस्पिटल्स की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर भी है। मैं सीधा सा एक जवाब देता हूं, छोटा सा, मैं कहां कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, उन्होंने कहा तो ऐसा है लेकिन कागजों पर है, उनके भाषणों में है, उनकी वो जो डॉक्यूमेंट्री तैयार करी उसमें है, उनकी सोच में है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। बदनाम कर रहे हैं लोग, अब देखिए ये तो बात आज से थोड़ी कहते आ रहे हैं, अब इनकी देखिए छोटी सी बात, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, ये पंजाब से जब चला, वहां से सिंघू बॉर्डर तक आ करके पहुंचा, धीरे धीरे करके दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर पहुंचा, देश के विभिन्न हिस्सों में ये धीरे धीरे चल पड़ा, पहले तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये किसान आंदोलन है, नहीं थे ना मानने को तैयार, फिर धीरे 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 करके इनके जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्हीं ने कहा कि वो मुट्ठी भर किसान है, फिर जब दौर शुरू हुआ, वार्ता का दौर हुआ, तो धीरे धीरे उस बात को भी मानने लगे कि नहीं भाई आदमी तो बहुत ज्यादा लोग हैं, चलो हम चर्चा कर लेते हैं इस पे, जब चर्चा शुरू हुई तो जब धीरे धीरे ये अपने आप ही जो बात कहते गए, अपनी बातों को अपने आप ही खारिज करते गए, अपने आप ही अपनी सारी बातों को ये काटते गए और नई बातों को ये जन्म देते गए और उनको मानते गए, ये बात छुपी थोड़ी है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये खुद उनके लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। योगी आदित्यनाथ नहीं तो उत्तर प्रदेश में कौन है जो व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकता? देखिए इस चीज पर मैं बहुत खुले विचारों के साथ कहता हूँ कि देश में कुछ एक लोगों को इस बात का भ्रम है कि मैं सब कुछ हूं, इन्होंने क्या एक स्लोगन बना रखा है, स्लोगन क्या बना रखा है, जैसे इन्होंने सोचा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सामने जो विपक्षी पार्टी है वो कांग्रेस है, इन्होंने क्या है उसका पल्लू पकड़ रखा है,
बोले इसको पकड़ते रहो तो तीसरा जो होगा भी वो खत्म हो जाएगा, उसको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारे देश में ऐसा थोड़ी था कि यही दो पार्टी थी, अलग अलग तरीके से चीजें होती रहती है। और जो समय आएगा, हमें नहीं लगता कि जैसे आज मैं इसके बारे में कुछ आपको कह दूं, कोई इसकी प्रतिक्रिया निकल कर के आए, तो ये जल्दबाजी होगी। समय का देश की राजनीति में, मतलब अब अगर उत्तर प्रदेश की बात ना की जाए, केंद्र की बात की जाए, पूरे देश के अगर चुनाव जब होने लगे तो क्या आप तीसरा एक मोर्चा तैयार होकर उभरेगा क्या? देखिए, इस तीसरे मोर्चे की जब बात आती है तो कई बार किसान आंदोलन का भी नाम आ जाता है उसमें, कि ऐसा तो नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है ये तीसरा मोर्चा बनकर के खड़ा हो जाए। मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, इस मोर्चे की एक जो वैचारिक शक्ति है वो ये है कि जब जब कहीं गड़बड़ होगा, हम उसको उसकी सत्ता से, उसकी कुर्सी से खींच करके उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम लगातार करते रहेंगे। आप चाहे इसको तीसरा मोर्चा मान लो और चाहे इसको आप तीसरा विकल्प मान लो। महंगाई को लेकर के जिस तरह से लगातार अब कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, दिल्ली के अंदर आज भी कांग्रेस ने, अभी राहुल गांधी ने साइकिल यात्रा निकाली थी, तो क्या लगता है इस कांग्रेस और महंगाई, जो महंगाई को लेकर के लगातार आवाज उठा रही है, क्या इसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है क्या साथ में? देखिए, राहुल गांधी जी अगर कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई गलत नहीं है, उनको करना भी चाहिए। विपक्ष में है तो उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन भूमिका वो लेट निभा रहे हैं, इस बात का भी दुख है। शायद अगर वो विपक्ष हमारा काम कर देता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ 8.5 महीने बैठने की जरूरत पड़ती। विपक्ष नहीं था, कमजोर था, इसीलिए तो हमको विपक्ष की भूमिका में बैठना पड़ रहा है ना, विपक्ष की हर भूमिका को निभाना पड़ रहा है। अगर विपक्ष हमारा इतना मजबूत होता तो वो कर रहे हैं तो ठीक बात है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन एक आखिरी सवाल, वहीं पर महंगाई को लेकर के बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो बीजेपी के समर्थक भी हैं और भी कह रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ी हुई है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल हम ले रहे हैं 200 रुपए लीटर हो जाएगा तब भी खरीद लेंगे, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। जी देखिए, जहां तक महंगाई की बात रही, आप चाहे पेट्रोल की बात कर लो, मैं तो पेट्रोल की, मैं तो आपको शायद 2-3-4 बातें गिना देता हूँ। पहले जो फॉर्म भरे जाते थे ना, फॉर्म जो फॉर्म 100 रुपए का भरा जाता था, जो फॉर्म 100 रुपए का भरा जाता था, आज वो जो है वो 300-400 रुपए का भरा जाता है, जो 500 का भरा जाता था वो 1000 रुपए का हो गया। आप सरसों के तेल की बात कर लो, ठीक डबल दाम हो गए। आप इनकी सरकार आई थी तो 55 रुपए में पेट्रोल था, वो आज 108-110 रुपए में हो गया। और जब इन पे सवाल पूछे जाए, यही पार्टी थी जब इनकी सरकार नहीं थी, तो यही सब के सब रोड पर निकलते थे और ये कहते थे कि ये जो है ये सब कुछ ये करते हैं, ये इनकी साजिश है। आज जब इनसे सवाल पूछे जाते तो बोल देते हैं कि हमारे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है ये, तो अब इन पे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो इसी तरीके से गुमराह कर देते हैं। तो कही